साजी के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी का पहला इजलास हो गया। नून लीग की जानिब से सेनेटर इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, सेनेटर आजम नज़ीर तारर और मलिक मोहम्मद अहमद खान इजलास में शरीक हुए। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी मुराद अली शाह, कमर जमान कायरा, सईद गनी ने की और दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं बोल इस नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, क्या तफसीलात हैं? जी देखिए, मुमकिना हुकूमती और सियासी इतिहाद जो है उसके दरमियान बुनियादी चीजें वजारत उज़्मा के उम्मीदवार और वजारत आला पंजाब के उम्मीदवार पर तो इतफाक हो गया था, लेकिन इतफाकी और सूबाई काबीना तश्कील दी जानी है उस पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो कमेटियां हैं उनका पहला इजलास आज हुआ है। इसमें ये इब्तदाई इजलास था, इजलास भी होंगे और जो मॉडेलिटीज हैं वो तय की जाएंगी कि वफाकी काबीना कितनी बड़ी होनी चाहिए, पहले मरहले में कितने वज़रा को किस पार्टी से कितने अरकान को जो है वो काबीना में शामिल किया जाएगा। इस इजलास में मुस्लिम लीग नून की जानिब से सीनियर रहनुमा शरीक हुए हैं और इसहाक डार, अयाज सादिक, आजम मलिक मोहम्मद अहमद खान शामिल हैं, जबकि साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी की जानिब से पेश हुए, शरीक हुए, कमर जमान कायरा, सईद गनी और दीगर रहनुमा भी शरीक थे। इस कमेटी की जो सिफारिशात हैं वो कायदीन को, मरकजी कायदीन को पेश की जाएंगी और हतमी फैसला फिर हुकूमत साजी पर मरकजी क्यादत करेगी। हतमी फैसला मरकजी क्यादत का होगा। बहुत शुक्रिया फहद चौधरी इन तफसीलात के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।